हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीश। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि इंस्टाग्राम रील्स कैसे बनाए जाते हैं। इंस्टाग्राम की रीच या फॉलोवर इंक्रीज करने के लिए इंस्टाग्राम का रील का जो ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। रील्स पर आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं या किसी के स्पॉन्सरशिप को भी प्रमोट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम रील बनाने का ए टू जेड प्रोसेस बताने वाला हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल पर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आप उस वीडियो का पूरा फायदा उठा पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको जो है प्लस के ऑप्शन पर टैप करना होगा। टैप करने के बाद यहीं से कई सारे ऑप्शन हैं वो आपको मिल जाते हैं, जैसे कि पोस्ट है, स्टोरी का है, रील्स व लाइव्स का ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो रील्स बनाने के लिए आपको जो है रील्स पर टैप करना होगा। टैप करने के बाद आपको फर्स्ट में म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर टैप करने के बाद आप अपने म्यूजिक में आप अपने रील्स में कौन सा म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं कौन सा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो सर्च के द्वारा आप एक म्यूजिक भी सर्च कर सकते हैं, उस म्यूजिक कर सकते हैं। जैसे कि ये म्यूजिक है इस रील्स में ऐड हो चुका है। इसके बाद फिल्टर पर जाकर यहाँ से आप अपनी वीडियो में फ़िल्टर यूज कर सकते हैं। फ़िल्टर की कई सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं, जैसे कि ट्रेंडिंग है, रील्स हैं, अपीयरेंस हैं। कौन सी आपको फ़िल्टर चाहिए उस फिल्टर पर टैप करके आप अपनी वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं। उस फिल्टर पर टैप करेंगे आपकी वीडियो में अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद स्टिकर्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर टैप करके आप अपनी वीडियो के हिसाब से आप अपनी वीडियो में स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं। उस स्टिकर्स पर टैप करेंगे तो आपकी वीडियो में आ जाएगा और इस स्टिकर्स को यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के बाद आप एक जगह नहीं स्टिकर्स को लगा देना है। इसके बाद टाइमर का ऑप्शन मिलता है, इस पर टैप करके आप अपनी रील्स का टाइम भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद स्पीड का ऑप्शन मिलता है, इस पर टैप करके आप अपनी स्पीड को 2x, 3x या 5x कर सकते हैं। तो आपको 2x करना है तो 2x पर टैप करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वीडियो की वो 2x हो जाएगी। मैं इसको नॉर्मल रहने देता हूँ। इसके बाद फ्रेम पर टैप करेंगे, आप अपनी वीडियो में कई सारे फ्रेम हैं वो ऐड कर सकते हैं, जिसकी लेआउट है कई सारे फ्रेम हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद टाइमर डेमो का ऑप्शन, अपनी वीडियो के टाइमर डेमो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहीं से आप अपनी वीडियो में फिल्टर लगा सकते हैं और आपको कैमरे का ऑप्शन मिलता है, आप बैक कैमरा यहीं से और यहीं से फ्रंट कैमरा भी कर सकते हैं। अब आपको क्या आपको रील्स रिकॉर्ड करने के लिए इस कैमरे पर ही टैप करना होगा। जैसे कि तो रील्स है वो रिकॉर्ड होने लगी है। आप एडजस्टमेंट करेंगे, जो भी आप पिक्चर या फोटोज जो भी आप करना चाहेंगे वो इस प्रकार से ऐड करेंगे तो आपकी रील जो है अपलोड हो जाएगी। यहीं से आप अपने कैमरा को भी आगे कर सकते हो और वहीं से इस रील्स को जो है रिकॉर्ड कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो आप अपनी वीडियो में कैमरा के जरिए रील्स रिकॉर्ड कर सकते हो फ्रंट या बैक के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद तो आपकी वीडियो में जो भी आपने छोटी छोटी क्लिप्स बनाई हैं वो आ जाएंगे। इन क्लिप्स पर टैप करके आप इन क्लिप्स को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और यहीं से क्रॉप भी कर सकते हैं, यानी छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आप अपने अगर किसी क्लिप्स को ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि ऐड क्लिप्स करेंगे तो अपनी गैलरी से भी क्लिप्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए ऐड पर टैप करेंगे, आपकी गैलरी वो है जूम होकर आ जाएगी। आप जौन सा भी पर टैप करेंगे और इसको कट करेंगे, जितना पार्ट लेना चाहते हैं इसका ऐड करेंगे तो आपकी क्लिप में ये जो है ऐड हो जाएगा। जैसे कि ये मेरी क्लिप में जो है ऐड हो चुकी है, इस पर टैप करेंगे तो इसको जो है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डिलीट पर टैप करने के बाद ये क्लिप जो है डिलीट हो जाएगी। इसके लिए डिस्कार्ड करेंगे तो ये जो है डिलीट हो जाएगी। कई सारी क्लिप्स बन गई हैं, क्लिप्स के बीच में एक फ़िल्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो इस पर टैप करेंगे। आप इस क्लिप्स में फ़िल्टर यूज कर सकते हैं, जौन सा फ़िल्टर यूज करना चाहते हैं उस पर टैप करेंगे और डन पर टैप करेंगे तो ये वीडियो में जो है अप्लाई हो जाएगा।
तो देखिएगा इस पर टैप करते हैं, नेक्स्ट फिल्टर है इस पर टैप करेंगे। तो इसके लिए मैं जो है ऑल टू अप्लाई पर इस पर टैप करूँगा। इसके बाद अप्लाई टू ऑल, यानी ये सभी भी क्लिप्स में ये फिल्टर है वो मेरा यूज हो चुका है। इसके बाद यहीं से इस रील्स को प्ले करके सपोर्ट बंदा ठोक देने, इसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, इस पर टैप करेंगे। अब आपको एक ऑप्शन मिलता है एडिट कवर, इस पर टैप करने के बाद आप अपने वीडियो में जो भी कवर रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे और आप अपनी वीडियो के हिसाब से कवर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मनपसंद ही कवर चाहिए तो ऐड डिवाइस पर टैप करेंगे, आपकी मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। कौन सा भी आप इसमें कवर रखना चाहते हैं उस पर टैप करेंगे तो आप वो कवर भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप जो है डन करेंगे तो ये आपकी वीडियो में अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद वीडियो में आपको जो है कुछ लिखना है, ठीक है नहीं, वीडियो के बारे में आपको लिखना है। वीडियो के बारे में लिखने के बाद आपको यहाँ हैशटैग भी लगा सकते हैं, ठीक है नहीं, इस प्रकार से हैश लगाएंगे और वीडियो में हैशटैग भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से हैशटैग लगाने के बाद आपको टैग पीपल इस वीडियो, इस पर टैप करके आप अपने इस वीडियो में टैग्स भी लगा सकते हैं, यानी कुछ लोगों को टैग कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है ऐड टॉपिक, इस पर टैप करके आप अपनी वीडियो के हिसाब से आप की वीडियो जिस भी कैटेगरी में आती है उस कैटेगरी को आप जो है चूज करेंगे। चूज करने के बाद आपको जो है डन के ऑप्शन पर टैप करना होगा तो ये टॉपिक है आपकी वीडियो में ऐड हो जाएंगे। इसके बाद ऐड लोकेशन का ऑप्शन आता है, इस पर टैप करके आप अपनी लोकेशन को ऐड कर सकते हैं। सजेशन के अनुसार कुछ लोकेशन दी गई होंगी, उनमें से भी आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो शेयर के ऑप्शन पर जाकर आप अपने इस प्रकार से आप एक इंस्टाग्राम की रील्स बेस्ट रील बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, अगर कोई मन में कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।